टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम में छापेमारी की। इस कार्रवाई में विभाग ने पॉलिथीन का जखीरा बरामद किया है। फूड सेफ्टी विभाग के मुताबिक पकड़ी गई पॉलिथीन की मात्रा करीब 15 क्विंटल से भी अधिक है। पॉलिथीन की कीमत भी लाखों रुपए में बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान व्यापारी और फूड अफसरों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम पॉलिथीन को लेकर नगर में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम को देवीपुरा काली मंदिर के पास एक गोदाम में बड़ी मात्रा में पॉलिथीन के रखे होने की सूचना मिली। सूचना पर कार्य करते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम डेजिग्नेटेड अफसर डॉक्टर गौरी शंकर और चीफ फूड सेफ्टी चीफ मनोज कुमार और उनकी टीम हलवाई के गोदाम पर पहुंची। गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन रखी हुई थी। टीम ने गोदाम में रखी करीब 16 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन को जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, टीम ने पॉलिथीन की कालाबाजारी करने वाले व्यापारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पकड़ी गई। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के बावजूद इतना अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया, लोग अवेयर भी रहे हैं, बावजूद उसके आज ये देवीपुरा मोहल्ला में अशोक कुमार जो एक व्यापारी हैं, उनका लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन जो प्रतिबंधित पॉलीथीन में पकड़ी गई है, इस पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया है और GST के ऑफिसर्स आ गए, वो भी अपनी जाँच करेंगे। अभी अंतिम कितना टोटल हुआ इसको वेट करने के बाद पता चलेगा, लेकिन 10 क्विंटल से अधिक की मात्रा पाई गई। पॉलीथीन को सर जब्त किया गया है, क्या क्या गया? पॉलीथीन को जब्त कर लिया गया, जुर्माना लगा दिया गया उन पर जो एक्ट है उसके अनुसार, और जीएसटी वाले भी आ गए, वो भी अपने तथ्यों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, इनके द्वारा GST पे किया गया था, नहीं किया गया था। कार्रवाई से खफा व्यापारियों ने हंगामा करने की कोशिश की, जिसके चलते फूड सेफ्टी अफसरों को पुलिस को भी बुलाना पड़ा। फिलहाल टीम ने मौके से बरामद हुई सभी पॉलिथीन जब्त कर ली है और टीम अब आगे ये पता लगाने में जुटी है कि नगर में आखिर ऐसे और कितने गोदाम हैं जिनमें प्रतिबंधित पॉलिथीन का स्टॉक किया गया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हमिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।